बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद जावेद एंड टुडे वी हैव टॉपिक नेटवर्क डिवाइसेस। एंड द नेटवर्क डिवाइसेस वी विल डिस्कस एनएसी, हब, स्विच एंड मोडेम। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नेटवर्क डिवाइसेस। द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट हार्डवेयर्स यूज्ड इन द कंप्यूटर नेटवर्क्स are known as a network devices. So just I want to enable the pin. So let's mean basically these devices are used in the computer network, and these devices are used to link the devices, hardware devices. Suppose we say computer, we say printer, we say CCTV cameras, etc. So whenever the devices which are used to connect the component in the network, so we say it is a network devices. And these are the also known computer network devices. Other name also given to this one. In the computer network, each network device plays a key role on the base of their functionality, and also works for the different purposes at different segments. So it's mean every device in the network has a vital role, and they have different purposes in the different segments and the different portions. देखिए, अगर हम बात करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस की, तो नेटवर्क डिवाइसेस क्या करते हैं? ये डिवाइसेस कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं उन डिवाइसेस के दरमियान जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल होते हैं। सो इन डिवाइसेस की मदद से क्या होते हैं, डिवाइसेस कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाते हैं, और हर डिवाइस का कंप्यूटर नेटवर्क में क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल्स है, और इनके अपने फंक्शंस होते हैं जो कि डिफरेंट पर्पसेस रखते हैं। इनके डिफरेंट पर्पसेस होते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स पर, डिफरेंट पोर्शंस पर। यानी सपोज हम स्विच की बात करते हैं तो इनका अलग फंक्शन है, अगर हम एनएसई की बात करते हैं तो इनका अलग फंक्शन है, अगर हम राउटर की बात करते हैं तो इनका अलग फंक्शन है। तो हर एक जो डिवाइस है जो नेटवर्क में यूज़ हो रहा है, उनको आप उनके अपने फंक्शंस होते हैं। NIC, Network Interface Card. So basically, NIC stands for Network Interface Card. This is also known as a Network Adapter Card, or Ethernet Card, or LAN Card. Commonly we say LAN Card, right? It's a most commonly word used for the NIC LAN Card, but the technical name is the Network Interface Card. So what's the purpose? Now see, NIC allows a networking device to communicate with the other networking device. So it's mean with the help of NIC, a device can communicate with another device in the network. देखिए, NIC की मदद से क्या करते हैं, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ नेटवर्क में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। देखिए, हम सिंपल बात करते हैं कंप्यूटर की। सपोज वी हैव पीसी, right? And this PC want to communicate with another PC. किसी और PC के साथ क्या करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। सपोज ये PC 2 है और ये PC 1 है। अब याद रखिए, अगर इनमें LAN कार्ड नहीं होंगे तो ये कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। सो यहाँ पर आपके पास क्या होने चाहिए, LAN कार्ड होने चाहिए या NIC होने चाहिए। सो विद हेल्प ऑफ NIC, a device, a component, a node can communicate with the another node in the network. So ये इसकी एक important feature है, किस चीज़ की, NIC की। In a modern computer systems, it's an internal hardware component. जितने भी हमारे पास जो नए component, नए systems आ रहे हैं, इसमें क्या है, ये built in होता है, इसका internal ही CPU में मौजूद होते हैं। ठीक है जी, हमें सिर्फ इसका port नज़र आता है, उस पोर्ट के साथ हम क्या करते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेते हैं, केबल लगा लेते हैं, और केबल को क्या करते हैं, किसी स्विच में कनेक्ट करवा देते हैं। सो जितने भी सिस्टम्स आ रहे हैं, इसमें आपको ये एज ए इंटरनल पार्ट मिलेगा, एक्सटर्नल पार्ट नहीं होते हैं। हाँ, अगर बिल्ट इन NIC कार्ड ख़राब हो जाए, काम करना छोड़ दें, तब आप क्या कर सकते हैं, देन यू कैन परचेज एक्सटर्नल NIC। आप एक्सटर्नल NIC खरीद कर सकते हो और उनको लगा सकते हो। ठीक है जी,
तो एक्सटर्नल एनएससी भी होते हैं, आप इनको बाकायदा यहाँ पर लगा सकते हैं, इसके इथरनेट पोर्ट भी होते हैं या यूएसबी पोर्ट पर भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि आपने कौन सी परचेज की हुई है। लैन कार्ड्स आर माउंटेड इन डिफरेंट शेप्ड स्लॉट्स, डिफरेंट शेप्ड स्लॉट्स ऑन द मदरबोर्ड्स। हमारे पास जो लैन कार्ड्स होते हैं या एनएससी कार्ड्स होते हैं, इनके शेप्स डिफरेंट हो सकते हैं और ये डिफरेंट इनके जो स्लॉट्स होते हैं इन पर मदरबोर्ड पर इन लग सकते हैं। कोई पीसीआई का होगा, कोई यूएसबी का होगा, तो इनके जो स्लॉट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। मोस्ट एनएससी कंप्यूटर्स आर बिल्ट इन, जो हमारे पास ज़्यादातर एनएससीज होते हैं वो कंप्यूटर बिल्ट इन होते हैं, कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं। जिस तरह भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जी हम सिर्फ इनको क्या करते हैं और प्लग इन करते हैं केबल को, सो ये जो यहाँ पर हम केबल को प्लग इन कर रहे हैं ये बेसिकली क्या है, पोर्ट है किस चीज़ का, एनएससी का। लैन कार्ड्स हैव ए यूनिक कोड ऑफ 48 बिट्स, जो 48 बिट्स है ना, याद रखें एनएससी जो हमारे पास होती है ना, इसके दो किस्म के एड्रेसेस होते हैं, एक को कहते हैं आईपी एड्रेस, दूसरे को कहते हैं फिजिकल एड्रेस। यहाँ पर जो बात हो रही है ना वो फिजिकल एड्रेस की हो रही है, जो फिजिकल एड्रेस होता है वो 48 बिट्स का होता है। दिस यूनिक कोड इज कॉल्ड द मैक, मैक मीन, मैं अगर इसको इरेज करो तो क्या पता लगे, दिस यूनिक कोड मीन द फिजिकल एड्रेस इज कॉल्ड व्हाट, मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये परमानेंट होता है, इट्स अ परमानेंट। दिस एड्रेस इज स्टोर इन द कार्ड्स रोम, द एनआईसी हैज RJ45 सॉकेट वेयर नेटवर्क केबल इज फिजिकली प्लग्ड इन। ये जो एड्रेस होता है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये परमानेंट होता है, ठीक है जी, ये बिल्ट होकर आता है इन मैन्युफैक्चरर्स, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरर्स पर रैम रोम इसको बर्न कर दिया जाता है, और इसका जो जो पोर्ट्स होते हैं, जो सॉकेट्स होते हैं, वो RJ45 कहलाता है, यानी रजिस्टर्ड JAG 45, या हम इसको इथरनेट पोर्ट भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, केबल्स को प्लग इन करते हैं, केबल्स को लगाते हैं। सपोज देखो मैं घर कहता हूँ ये हमारे पास पीसी है, ठीक है जी, यहाँ पर इनके साथ क्या लगा हुआ है, एनआईसी लगी हुई है, लैन कार्ड लगा हुआ है, ठीक है जी, ये मेरे पास एक स्विच है, एक वायर मैंने इधर लगा लिया इसके प्लग में, ठीक है जी, यहाँ से लग गया और यहाँ से वायर को ले जाता हूँ कहाँ ले जाता हूँ, यहाँ पर। सो ये जो ये है ना दिस वन, ये जो कनेक्टर इधर लगा, ये जो पोर्ट लगा है ना, ये जिसको हम पोर्ट भी कहते हैं या सॉकेट्स भी कहते हैं, ये RJ45 के लिए होता है, और इसमें जो कनेक्टर लगेगा केबल का वो भी RJ45 कहलाता है, ठीक है जी। इंशाल्लाह हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे शायद उसमें हम केबल पे बात करेंगे, और केबल में हम कनेक्टर भी देखेंगे कि जी कनेक्टर किस तरह बनते हैं, कनेक्टर के कौन कौन से हमारे पास टाइप्स हो सकते हैं। इंशाल्लाह ये हमारे कमिंग लेक्चर्स के टॉपिक है, इस पर हम बात करेंगे। सो देखो मैं इसकी बात करता, ये देखो ये मेरे पास क्या है, एक एनआईसी है, एनआईसी ये इसका क्या है, सॉकेट है, ठीक है जी, इट्स अ सॉकेट, जहाँ पर क्या होता है केबल लगाया जाता है। ये जो केबल है देखो, ये केबल जा रहे हैं, और ये जो इसका कनेक्टर लगा हुआ है, दिस इज अ कनेक्टर, ये RJ45 कनेक्टर है जो कि यहाँ पर प्लग इन हो रहा है। एक ट्रेडिशनल एनआईसी हमारे पास, आजकल तो हम देख रहे हैं यूएसबी एनआईसी आ रही है, बाकायदा सिर्फ वायर से क्या करते हैं, यूएसबी पोर्ट पर लगा लेते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हब। हब इज अ सेंट्रलाइज्ड डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस इन ए सिंगल लैन नेटवर्क। देखिए अगर आपके पास दो डिवाइस है और दो डिवाइस को आप कनेक्ट करना चाहते हैं, सपोज PC1 है और PC2 है, तो इस सूरत में आपको हब स्विच की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट क्या करते हो, केबल कनेक्ट करवाते हो इसके उसके लैन कार्ड्स पर। लेकिन अगर आपके पास PC ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है जी, तब आप क्या करते हो, तब आपको एक एक्स्ट्रा उसकी ज़रूरत होती है डिवाइसेस की, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहा जाता है हब या स्विच कहा जाता है। फिलहाल हम डिस्कस करें तो मैं हब की बातें करूँगा। सपोज मेरे पास एक और PC है, सपोज ये PC मेरे पास है, तीन PC हो गए, ठीक है जी, मैं चाहता हूँ ये आपस में कम्युनिकेशन लिंक हो जाए, तो मैं एक और डिवाइस इधर लगाऊंगा,
वो हब होगा। देखो ये यहाँ से केबल इसको आ गया, यहाँ से केबल इसको आ गया, और यहाँ से इसके केबल ये मिल गया। सो इट इज़ द सेंट्रल डिवाइस। ये सेंट्रल डिवाइस है जो कि क्या कर रहे हैं, मल्टीपल सिस्टम्स को यहाँ पर कनेक्ट करवा रहे हैं। सपोज ये PC1 हो गया, ठीक है जी, ये PC2 हो गया, ये PC2 हो, PC3 हो गया, एंड सो ऑन। व्हेन हब रिसीव्स द डेटा सिग्नल्स फ्रॉम ए कनेक्टेड डिवाइस ऑन एनी ऑफ इट्स पोर्ट्स। देखो सपोज PC3 ने डेटा भिजवा दिया, किसको, हब को भिजवा दिया, ठीक है जी, एक्सेप्ट दैट पोर्ट। हब क्या करेगा, इस पोर्ट को छोड़ देगा, इस पोर्ट को छोड़ देगा। इट फॉरवर्ड्स दो सिग्नल्स टू ऑल अदर कनेक्टेड डिवाइसेस फ्रॉम द रिमेनिंग पोर्ट्स। ये क्या करेगा, ये बाकी इनके साथ जितने भी कनेक्टेड पोर्ट्स हैं ना, जिस पे सिस्टम्स कनेक्टेड है, उन सबको ये मैसेज सेंड कर देगा, जितने भी इनके साथ कनेक्ट होंगे। सो हब में ये चीज़ है कि जी हब के पास जब सिग्नल आ जाता है, डाटा आ जाता है या मैसेज आ जाता है, तो जिससे मैसेज आया है उसको छोड़कर बाकी इनके पास जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे उस सब पे क्या करेगा, मैसेज को ट्रांसमिट करता है, जिसको हम टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। यूजली हब हैज वन आर मोर अपलिंक पोर्ट्स दैट आर यूज टू कनेक्ट इट विद अनदर पोर्ट्स अनदर हब। अगर हम एक और हब, एक और नेटवर्क है हमारे पास, सपोज ये एक नेटवर्क है, इनके पास एक पीसी है, दूसरा पीसी है, तीसरा पीसी, ये पीसी के मैंने छोटे छोटे निशान बना दिए, ठीक है जी, PC1 PC2 एंड PC3। अब मैं चाहता हूँ जी इस हब को क्या करना चाहता हूँ, इस हब के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो जिनके साथ जिस लिंक में ये केबल लगेगा ना, उसको क्या कहते हैं, इसको अपलिंक पोर्ट कहते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ अपलिंक पोर्ट वी कैन कनेक्ट मल्टीपल हब्स विद ईच अदर, ठीक है जी। सो एक नॉर्मल पोर्ट उसमें होता है, दूसरा अपलिंक पोर्ट होता है। अपलिंक पोर्ट का क्या क्या काम होगा, अपलिंक पोर्ट की मदद से आप इनको दूसरे हब के साथ क्या कर सकते हो, कनेक्ट करवा सकते हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हब, पैसो हब और दूसरा है एक्टो हब। जरा पैसो हब को देखते हैं। इट फॉरवर्ड्स डेटा सिग्नल्स इन द सेम फॉर्मेट इन विच इट रिसीव्स देम। जिस तरह को डेटा आया है, इसी तरह को क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करता है, जैसे भी आया है, जिस तरह भी आया है, इसी तरह क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड करेगा। इट डज नॉट चेंज द डेटा सिग्नल इन एनी मैनर। ये डेटा सिग्नल्स में जो डेटा इनके पास आया है, इसमें कोई चेंज नहीं करता। अगर वीक आया तो वीक फॉरवर्ड कर देगा, अगर स्ट्रांग आया तो स्ट्रांग फॉरवर्ड कर देगा। ये नहीं देखेगा कि जी डेटा मेरे पास एनर्जेटिक होकर आया हुआ है या वीक होकर आया हुआ है, नहीं जी, जस्ट रिसीव किया और आगे क्या कर रहा है, इसको फॉरवर्ड कर रहा है, आगे सेंड कर रहा है। एक्टो हब, इट आल्सो वर्क्स सेम एज द पैसो हब, बिल्कुल पैसो हब की तरह काम करते हैं, लेकिन फर्क क्या है, बट बिफोर फॉरवर्डिंग द डेटा सिग्नल्स इट एम्पलीफाइज द देम। डेटा को आगे फॉरवर्ड करने से पहले क्या करता है, इनको बूस्ट करता है, इनको एनर्जेटिक करता है, इनको एम्पलीफाई करता है। Due to this added feature, the active hub is also known as a repeater. इस फीचर की वजह से, कौन सा फीचर, कि जी ये क्या करता है, सिग्नल्स को एम्पलीफाइज करता है, सिग्नल को बूस्ट करता है, इस वजह को क्या कहते हैं, इस वजह को एक्टिव हब कहा जाता है। हब्स आर नो लॉन्गर यूज इन द कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब तकरीबन एब्सोल्यूट हो चुके हैं और कंप्यूटर नेटवर्क्स में ये यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, ये रिप्लेस हो चुके हैं स्विच की जगह। इसमें सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक्स थी वो क्या थी, वो ब्रॉडकास्टिंग थी, कि जी एक मैसेज आया और सबको सेंड कर दिया। सो ब्रॉडकास्टिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो एक ट्रेडिशनल हब मैंने यहाँ पर दिया हुआ है स्विच, उसका ग्राफिक इमेज दिया हुआ है, जरा इसको देखें, देखिए ये नॉर्मल पोर्ट एक पीसी के लिए, दूसरा नॉर्मल पोर्ट दूसरी नेक्स्ट के लिए नॉर्मल पोर्ट नेक्स्ट के लिए और नेक्स्ट के लिए, मतलब 5 सिस्टम इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना ये पोर्ट, ये किस अपलिंक के लिए, मतलब ये कि इसकी मदद से आप किसी और हब को यहाँ पर कनेक्ट करवा सकते हो। वो तो बातें थी किस चीज़ की, हब की। अब जरा देखते हैं स्विच को,
स्विचेस आर द लिंकेज पॉइंट ऑफ एन इथरनेट नेटवर्क. जो हमारे पास इथरनेट नेटवर्क होते हैं उनके लिए क्या है, ये क्या है, लिंकेज पॉइंट्स हैं. यानी हम इसमें से क्या करते हैं, वही काम कर रहे हैं जिस तरह हम हब में करते थे. जस्ट एज द हब, जिस तरह हब की मदद से हम क्या करते थे, हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करवाते थे, सेम काम यहाँ पर भी हो रहा है, स्विच में भी हो रहा है कि आप मल्टीपल डिवाइसेस को स्विच की मदद से कनेक्ट करवाते हो. लेकिन जो मेजर फर्क है वो ज़रा देखते हैं. डिवाइसेस इन द स्विच आर कनेक्टेड टू देम थ्रू ट्विस्टेड पेयर केबलिंग. जो नॉर्मली केबल यूज होता है वो कौन सा है, वो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है. ट्विस्टेड पेयर केबल की मदद से क्या होते हैं, डिवाइसेस मीन नोड्स या कंप्यूटर्स जो जिसके हम नॉर्मली बात करते हैं, वो कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ स्विच की मदद से. बट द डिफरेंस शोज अप इन द मैनर बोथ द डिवाइसेस. अब जो फर्क आ रहे हैं ना, फर्क वो देखते हैं कि दोनों में क्या फर्क है, यानी हब और स्विच है. हब एंड स्विच ट्रीट द डेटा दे रिसीव. जब इनके पास डेटा रिसीव होता है ना, तो तब इनके साथ ही क्या करते हैं, इसको जरा देखते हैं. हब वर्क्स बाय सेंडिंग द डेटा टू ऑल द पोर्ट्स ऑन द डिवाइसेस. हब क्या करेगा, हब जब डेटा रिसीव करता है तो उन सब डिवाइसेस को सेंड कर देगा जो इनके साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. लेकिन इसके मुकाबले में अगर बात करते हैं किस चीज़ की, स्विच की, वेयर इज स्विच ट्रांसफर्स इट ओनली द डेट पोर्ट विच इज द कनेक्टेड टू द डेस्टिनेशन डिवाइस. अब यहाँ पर स्विच क्या करते हैं, यहाँ पर वन टू वन कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं. मतलब क्या है कि जी रिसीवर से डेटा लिया और जिसको डेटा ट्रांसमिट करना है ना, यानी जिस सेंडर को ट्रांसमिट करना है, सिर्फ उसी को डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग पोर्ट्स को नहीं जाएगा. यानी ये सेंडर से रिसीवर की तरफ डेटा को ट्रांसमिट करता है, यानी वन टू वन कम्युनिकेशन में होती है. तो ये मेजर फर्क था इसमें. ए स्विच डज सो बाय हैविंग एन इन बिल्ट लर्निंग ऑफ द मैक एड्रेस ऑफ द डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट. अभी क्यों स्विच करते हैं, स्विच के पास एक बिल्ट इन फैसिलिटी होती है, ठीक है जी, बिल्ट इन फीचर्स हैं जिसकी मदद से क्या करते हैं, इनके पास जो पोर्ट्स होते हैं इन पोर्ट्स पे जब डिवाइस कनेक्ट हो जाती है तो उस डिवाइस का मैक एड्रेस ये अपने साथ क्या करते हैं, नोट कर लेता है और अपने पास रख लेता है. उस मैक एड्रेस की मदद से इनकी कम्युनिकेशन वन टू वन हो रही है. जबकि हमारे पास जो हब था, हब में ये फीचर नहीं था कि जी वो मैक एड्रेसेस जिनके साथ कनेक्टेड डिवाइसेस हैं इनका मैक एड्रेस अपने पास रख सके. सो एक ट्रेडिशनल स्विच हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है जी, मल्टीपल स्विच है आप देख सकते हो. यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, अगर हम देखें ये एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, डबल कर दो, ये 16 पोर्ट का अब है. इसमें आप 16 डिवाइसेस कनेक्ट करवा सकते हो, जबकि ये यूज़ हो रहे हैं इनके आप लिंक के लिए यूज़ हो रहे हैं, आप इनकी मदद से आप लिंक करवा सकते हो, यानी दूसरे स्विच के साथ इनको कनेक्ट करवा सकते हो. नेक्स्ट हमारे पास है मोडेम, देखते जरा मोडेम को भी. मोडेम इज अ डिवाइस दैट एनेबल्स ए कंप्यूटर टू सेंड और रिसीव डेटा ओवर टेलीफोन और केबल लाइन. अब मोडेम की मदद से क्या कर सकते हैं, मोडेम की मदद से कंप्यूटर जो है वो डेटा सेंड कर सकते हैं, डेटा रिसीव कर सकते हैं, किसकी मदद से, फोन लाइन या केबल लाइन की मदद से. यानी केबल लाइन पर या फोन लाइन पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए कंप्यूटर को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मोडेम की. मोडेम का फंक्शन क्या है देखते हैं जरा इसको. द डेटा स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर इज डिजिटल. कंप्यूटर में जो डेटा होगा किस फॉर्मेट में होगा, 01 में होगा. वेयर इज ए टेलीफोन लाइन और केबल वायर कैन ट्रांसमिट ओनली एनालॉग डेटा. जबकि जो हमारे पास जो केबल है उसमें जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो किस फॉर्म में होता है, एनालॉग सिग्नल्स में होते हैं, एनालॉग फॉर्म होते हैं. अब एनालॉग से डिजिटल में और या डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्जन करना किसका काम है, ये मोडेम का काम है. सो मोडेम डेटा लेता है किससे, पीसी से डेटा लेता है डिजिटल फॉर्म में और आगे उसको कन्वर्ट करता है किस में, एनालॉग फॉर्म में. किसके लिए, केबल के लिए, कि केबल एनालॉग फॉर्म को समझता है. देखिए जरा
ये एक छोटा सा डायग्राम मैंने दिया है कि जी हमारे पास कौन सा फॉर्म है, डिजिटल फॉर्म है। सपोज ये ज़ीरो है, ये वन है, ये ज़ीरो है, ये वन है, ये ज़ीरो है और ये वन है। और ये हमारा देखो हम वेव की फॉर्म में सर देख रहे हैं, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस फॉर्म है, ये क्या है, ये एनालॉग फॉर्म है। सो इसको इसमें कन्वर्ट करना या इसको इसमें कन्वर्ट करना, ये किसका काम है, ये मॉडेम का काम है। द मेन फंक्शन ऑफ द मॉडेम इज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग एंड वाइस वर्सा। सो इसका जो मेन फंक्शन है क्या है, डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करना, एनालॉग में, और एनालॉग को किस में कन्वर्ट करना, डिजिटल में। मॉडेम इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू डिवाइसेस, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। तो बेसिकली ये दो डिवाइसेस, दो वर्ड से मिलकर बना है, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। द मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग डेटा। सो मॉड्यूलेटर क्या करेगा, डिजिटल को किस में कन्वर्ट करेगा, एनालॉग में, यानी कंप्यूटर से डेटा लेगा और केबल को या टेलीफोन लाइन को देगा। व्हेन डेटा इज बीइंग सेंड बाय द कंप्यूटर, जब कंप्यूटर डेटा क्या करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं। डी मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स एनालॉग डेटा सिग्नल्स इनटू डिजिटल डेटा। और डी मॉड्यूलेटर क्या करता है, डी मॉड्यूलेटर डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करेगा किस में, एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। कब, जब कंप्यूटर डेटा रिसीव करता है, व्हेन इट बीइंग रिसीव्ड बाय द कंप्यूटर, जब कंप्यूटर को डेटा चाहिए, कंप्यूटर को डेटा आता है। देखिए अगर हम एक ट्रेडिशनल शेप इसका देखें, तो देखो ये हमारे पास क्या है, ये एंटीनाज है, ठीक है जी, बूस्टर्स है, वाटर जो भी आप इसको नाम देते हैं। यहाँ से डेटा होकर आ रहा है किस फॉर्म में, केबल्स में आ रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पर फोन लाइन जो लगी हुई है, फोन लाइन ने डेटा देखो एनालॉग फॉर्म में है, मॉडेम ने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया और आगे फॉरवर्ड कर दिया किसको, कंप्यूटर को, किस फॉर्म में, 01 फॉर्म में। इसी तरह जब कंप्यूटर डेटा सेंड करना चाहते हैं तो 01 में जाएगा, 01 में जाके यहाँ पर आएगा और ये इसको कन्वर्ट करेगा किस में, दोबारा एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो डिफरेंट शेप्स के हमारे पास मॉडेम्स हैं, ठीक है जी। कुछ आपको केबल नज़र आएंगे, केबल मॉडेम नज़र आएंगे, कुछ आपको वायरलेस मॉडेम नज़र आएंगे। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। एनी क्वेश्चंस, एनी क्यूरी, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो मेरे दी हुई ईमेल आईडी पर या सेल नंबर पर। थैंक यू जी।